वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त और होस्ट फराह खान। कैसे हो आप सब? आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा शिमरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो है मिड नाइट ब्लू स्मोकी आई विथ सम ग्लिटरी लुक। तो मैं आपको आज वही लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, तो जो भी लड़कियां हैं प्लीज़ अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर देना ये वीडियो, और अगर पसंद आए ज़रा सा भी तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस वीडियो की खास बात यह है कि जो मैं प्रोडक्ट इसमें यूज़ करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। एक अफोर्डेबल प्राइस में आप एक ब्लू स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगी इस वीडियो में। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं अपने आई मेकअप करूँगी, और आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैकमे का फाउंडेशन। मैं यहाँ कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट से आपको एक बहुत अच्छा ब्लू स्मोकी लुक करके दिखाऊँगी, जो स्पेशली मिड नाइट के लिए है। मिड नाइट गर्ल जो गर्ल्स गोइंग पार्टी एंड ऑल जाती हैं, तो मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। तो मैंने फाउंडेशन लगा लिया। मैं थोड़ा सा पाउडर यूज करूंगी इस बेस को, आई बेस को सेट करने के लिए। अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये फूजली का फ्लफी ब्रश, जिसकी हेल्प से मैं आई मेकअप क्रिएट करूंगी। और ये मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अफोर्डेबल पैलेट है, ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। या आप कोई सी भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो यहाँ मैं ब्राउनिश कलर ले रही हूँ, सी डिस कलर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड 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 ब्लेंड। अब मैं थोड़ा डार्कर कलर ले रही हूं, ये वाला। ये हमें इस जोन से बाहर नहीं निकालना है, फिर अपने इस एरिया में ही रखना है। सेम मैं इस आई एरिया में भी ऐसे ही करूंगी, हमें ऐसे हल्के हल्के स्लोली स्लोली ब्लेंड करना है और ऐसे आउटर कर देना है बाहर के रुख। अब वही डार्क शेड में लूंगी इस जोन में, इस आई एरिया जोन में। इसे हमें बाहर नहीं निकालना है, डार्क एरिया को इसे हमें अंदर ही रखना है। अब मैं इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से, ये है अर्बन डीके का फ्लैट ब्रश, इसकी हेल्प से मैं कोई सा भी ब्लू कलर जो मिड नाइट डार्क कलर हो वो पिक करूंगी। एंड देन अपने आई बोल एरिया पे, सिर्फ इतने जोन पे आपको अप्लाई करना है। वैसे सेम इस आई पे भी करेंगे। अभी थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपको
बहुत प्यारा लुक आएगा इसका, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। अभी हमें इसे ब्लेंड भी करना है अच्छे से। अब हम इस ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये ब्लू कलर इसमें मिक्स हो जाए और ये कुछ अलग सा ना लगे। एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होगा, यू कैन सी। हमें आउटर नहीं लेना है, अंदर की साइड हमें ब्लेंड करना है। ये थोड़ा हमें लाइट लग रहा है तो हम थोड़ा और ब्लू कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ केक ग्लिटर, ब्लू ग्लिटर एंड फ्लैट ब्रश, जिसके हेल्प से मैं अपने इस एरिया में, इस एरिया जोन में ये ग्लिटर अप्लाई करूँगी। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसके लिए मुझे छोटा सा कुछ चाहिए होगा जिसके अंदर मैं ये सब ग्लिटर कुछ रखूँ और मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँ। मैं लगाऊँगी ग्लिटर और ग्लू ताकि हमारी जो ग्लिटर है वो अच्छे से चिपक जाए, झड़े ना। अब चाहे तो फिंगर टिप के हाथ से भी हल्का हल्का से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इस एरिया में ग्लिटर लगाया है क्योंकि आजकल पूरा आईज पे ग्लिटर नहीं चल रहा है, सिर्फ इस एरिया पे चल रहा है। ये लुक कंप्लीट होने के बाद बहुत अच्छा लुक आएगा। जितना भी हमारा ग्लिटर फॉइल हुआ है हम फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। जितना भी हमारा ग्लिटर फॉइल हुआ है हम फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अब मैं लगाऊंगी लैक्मे का लाइनर। आप देख पा रहे होंगे मेरा कितना, मतलब आई शेडो और ग्लिटर कितना फॉइल हो चुका है, बट डोंट वरी, मैं सभी रिमूव कर दूंगी। यू कैन सी माय आईज लुकिंग सो प्रिटी। फाइनल लुक करके मैं आपको दिखाऊंगी अभी, तो मैं कैमरे में देख के लाइनर नहीं लगा सकती तो इसलिए मैं मिरर का यूज करूंगी। यहाँ पे मैं बहुत थिन लाइनर लगाऊंगी। मैं दूसरी आई पे भी ऐसी लगाऊंगी, तो मैं कैमरे में देख के लाइनर नहीं लगा सकती तो इसलिए मैं मिरर का यूज करूंगी। यहाँ पे मैं बहुत थिन लाइनर लगाऊंगी। मैं दूसरी आई से भी ऐसी लगाऊंगी। मैंने अपने दोनों आईज पे लाइनर लगा लिया है। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। यहाँ मैं मैबलिन का न्यूयॉर्क लैश सेंशनल इफेक्ट मस्कारा यूज कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है लैशेस को। पर्सनली मेरा फेवरेट मस्कारा है।
यू कैन सी दिस डिफरेंट दिस आईलैशेस एंड दिस। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अनास्तासिया का बेवरली हिल्स हाइलाइटर अपने हाईलाइट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। हमें ये यहाँ तक लाना है तभी ये अच्छे से हाईलाइट होगा। अब हम अपने फेस का बेस लगाना स्टार्ट करेंगे, अपना फेस का मेकअप करेंगे, क्योंकि अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो मैं मॉइस्चराइजर की जगह ले रही हूँ ये फेस सीरम जो मैंने घर पे बनाया है। ये थोड़ा ग्लोइंग है और थोड़ा शाइनी है, शिमरी टाइप का। तो मैं यहाँ ओवरऑल लुक शिमरी लुक कर रही हूँ। तो मिडनाइट है तो थोड़ा सा मैं यही अप्लाई करूँगी। वाओ, ये सीरम मैंने कैसे बनाया है, इसमें मैंने लिया है जॉनसन बेबी ऑयल और कोई सा भी आप ग्लिटर जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और सेकंड मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल 1 डाला है। उसे अच्छे से शेक करके आपका अच्छा सा होममेड ग्लोई शिमरी टाइप का सीरम रेडी हो चुका है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। हम मिड नाइट मेकअप कर रहे हो तो हमें बहुत ग्लोसी ग्लोइंग मेकअप चाहिए। अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ लैक्मे का परफेक्ट एंड लिक्विड फाउंडेशन। मीडियम कवरेज देता है और मेरे को ज़्यादा मतलब ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए अपने फेस पे। और लिपस्टिक में यहाँ ले रही हूँ मैबलिन न्यूयॉर्क न्यू शेड 657 इसका शेड है। ये मेरा फेवरेट कलर है न्यू। और इसकी स्मेल बहुत बहुत अच्छी है और मतलब टेस्ट में बिल्कुल चॉकलेटी है। और यही हल्की हल्की सी मैं एज अ ब्लश लगाऊंगी, हल्का हल्का सा। अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मेलानी का ब्लश कम हाइलाइटर। ये हमें ब्लश वाला लुक भी देता है और हाइलाइटर का लुक भी देता है। अब मैं लास्ट में ले रही हूँ वही अनास्तासिया का हाइलाइटर। इसे मैं अपने फिंगर टिप की हेल्प से लगाऊंगी और थोड़ा क्लोज से आपको दिखाऊंगी इसका ग्लो। कैन सी दिस ग्लो, आई डोंट नो कैमरा किच कर पा रहा होगा या नहीं, बट तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप सबों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो ये था मेरा आज का मेकअप लुक। आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नए कंटेंट एक नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।